लेकिन हमारे लिए सही बात क्या है कि कौन है हमारे लिए, हमारे लिए जिसने हमें बनाया ना वो तो है, उसने छोड़ा नहीं। आप देखिए, आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसी हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें हैं, सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं और जिसकी वजह से हम मर सकते हैं एट दिस वेरी टाइम। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं, हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें हैं जो एक भी चीज़ गलत हो जाए वी विल डाई, लेकिन कोई है जो रुका हुआ है, ये नहीं होने दे रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो चाहेगा तब वो सैकड़ों में से कोई एक चीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाएगी। तो हमें ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है कि कोई है जो अभी इतने सारी सैकड़ों परेशानी से जो बचा रहा है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा है, ये प्रूफ है हम जिंदा है, ये प्रूफ है कि ही इज सेविंग अस फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। हमारी दुनिया, पता है आपको, हमारी जो ज़मीन है ना, जो ये यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है सूरज के गोल गोल, इतना प्रिकेरियस काम है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से पूरी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना डेंजरस दुनिया है बाहर। आपको पता है ना कि अर्थ है और अर्थ के करीब में इतना बड़ा प्लैनेट जुपिटर अल्लाह ने रखा है कि सारे जो मीटियर्स आते हैं जिसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से कई गुना ज़्यादा है, इसकी वजह से सारे मीटियर्स, कॉमेट्स वगैरह अक्सर वहाँ चले आते हैं। अगर ये जुपिटर हमारे करीब नहीं होता ना तो वो सारे के सारे अर्थ पे आते और ये डार्ट बोर्ड है वहाँ पे सारे के सारे चले आते हैं और हम बचे हुए यहाँ पे अर्थ में जी रहे हैं। देर आर हंड्रेड्स ऑफ सच फैक्टर्स जो गड़बड़ हो सकते थे लेकिन नहीं हो रहे। कोई है जो बचा रहा है हमें। इट्स ऑब्वियस, दुनिया का जो कंस्ट्रक्शन देखकर इंसान समझ सकता है, इट इज नॉट जस्ट ऐसे ही हो रहा है, किसी की प्लानिंग है, कोई कंट्रोल कर रहा है। उसे अपने साथ कनेक्ट करो, उसको अपने साथ जोड़ो, उस पर छोड़ो। जब कोई इंसान उस पर छोड़ेगा तो वहां पे क्या होगा, उसका बहुत सारे डर क्योर हो जाएंगे। बाकी डर कैसे डील करना है, जैसे चोर वाला डर वगैरह वो डील करेंगे। हाँ, बाकी ये जो डर है इसके अंदर सारे ये सारे अनसीन फियर्स हैं, इसका सोल्यूशन यही है कि यू लीव इट ऑन योर क्रिएटर। अगर एक इंसान के अंदर ये एक एहसास आ जाए कि ही इज़ देयर हु मेड मी, जो चला रहा है, जो मेरी बॉडी को संभाल रहा है, और विदाउट हिम अ पर्सन इज वीक, उसके बगैर वीक है, और अगर वो है तो बहुत स्ट्रांग है, वीक पर्सन भी स्ट्रांग हो जाएगा। कमज़ोर इंसान के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी।